स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड पंचनामा में, जहां हम लेके आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज में। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड के रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में एक अलग मुकाम हासिल की। एक ऐसी फिल्म जिसके ट्रेलर ने ऑडियंस को थिएटर में जाने में मजबूर कर दिया। एक ऐसी फिल्म जिसको बॉक्स ऑफिस में बम्पर ओपनिंग मिली। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड में कई सारे नए चेहरे लॉन्च किए। एक ऐसी फिल्म जिसमें दो दिग्गज कलाकार पहली बार आमने सामने आए। एक ऐसी फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन के डूबते हुए बॉलीवुड करियर को एक नई दिशा दी। दोस्तों, क्या आपने अब तक की फिल्म गेस किया है? अगर नहीं तो वो फिल्म है मोहब्बतें। साल 2000 में आए इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से समा बांध दिया। इस फिल्म का हर एक फ्रेम काफी रिच और रिफ्रेशिंग है, जिसने ऑडियंस को थिएटर में काफी एंटरटेन किया। फिल्म का सेट डिजाइन, म्यूजिक, एक्टिंग और डायरेक्शन टॉप नॉच का है। दोस्तों, सोचिए अगर ये मल्टी स्टारर फिल्म आज के जमाने में बना तो इस मल्टी स्टारर फिल्म को कौन डायरेक्ट करेंगे? इस रीमेक में मुख्य किरदारों में कौन नजर आ सकते हैं? क्या आपने ये सोचा है? हमने ये सोचा है। ये सोचने के बाद हमने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं ओरिजिनल फिल्म के क्रू के बारे में, जो हर एक फिल्म का अहम अंग होता है। दोस्तों, मोहब्बतें को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने। आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी। ये आदित्य चोपड़ा की दूसरी फिल्म थी। उन्होंने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से बॉलीवुड में एक लैंडमार्क डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, जिसके बाद उनकी दूसरी फिल्म मोहब्बतें से एक्सपेक्टेशन बेहद ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिस पर वो काफी हद तक खरे उतरे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने, यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर। इस फिल्म का म्यूजिक इस फिल्म का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे कंपोज किया था रोमांटिक म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी जतिन ललित ने, जिन्होंने इस फिल्म में कई सारे बेहतरीन कंपोजिशन दिए जो आज भी काफी पॉपुलर है। दोस्तों, हम ये मानते हैं अगर इस रीमेक को करण जौहर डायरेक्ट और प्रोड्यूस करे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि करण जौहर माने जाते हैं ऐसी मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए, और उनके पास वो टैलेंट और वो पैसा है जो इस फिल्म को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगा। वैसे भी करण जौहर और आदित्य चोपड़ा अच्छे दोस्त हैं, और आदि काफी खुश होंगे अपने इस फिल्म को अपने दोस्त द्वारा डायरेक्ट करते हुए देख। मोहब्बतें की रीमेक में अगर संजय लीला बंसाली म्यूजिक दे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि संजय लीला बंसाली ज्यादातर अपनी फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। ये पहली बार इंटरेस्टिंग से भरा होगा जब संजय लीला बंसाली किसी और फिल्म के लिए म्यूजिक दे। वैसे भी संजय लीला बंसाली का रोमांटिक फिल्मों में म्यूजिक का टेस्ट काफी बेहतरीन है। दोस्तों, अब हम आते हैं फिल्म की ओरिजिनल कास्ट की ओर, और कास्ट में दो अहम किरदार निभाए थे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने। जहां पर अमिताभ बच्चन नजर आए थे गुरुकुल के कड़क और इंटेंस प्रिंसिपल नारायण शंकर के किरदार में, वहीं शाहरुख खान नजर आए थे उसी गुरुकुल के टीचर राज आर्यन मल्होत्रा के किरदार में। उदय चोपड़ा ने विकी का किरदार निभाया था। जुगल हंसराज ने समीर और जिमी शेरगिल ने करण का किरदार निभाया था। वही शमिता शेट्टी नजर आई थी बोल्ड इशिका के किरदार में। प्रीति जंगियानी ने किरण का बेहद ही स्वीट किरदार निभाया था। किम शर्मा नजर आई थी चुलबुली संजना के किरदार में, और वेरी स्पेशल किरदार में नजर आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की बेटी का किरदार निभाया था। अनुपम खेर और अर्चना पूरन सिंह ने अपने बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग से ऑडियंस को लोटपोट कर दिया था। दोस्तों, हम ये मानते हैं अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो हमारे ख्याल से इस रीमेक में अमिताभ बच्चन का स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और पावरफुल किरदार अगर कोई भी बॉलीवुड में आज के समय में निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है, क्योंकि बॉलीवुड की शहंशाह का किरदार बॉलीवुड का बादशाह ही निभा सकता है। और इस कैरेक्टर के ठहराव, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने में शाहरुख खान निपुण है। वहीं शाहरुख खान का राज आर्यन का किरदार निभा सकते हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन,
शाहरुख खान का ये किरदार काफी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक इमोशन से भरा हुआ है। इस कैरेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एक्टर के साथ स्टार पावर होना जरूरी है, और अगर रोमांटिक और स्टार पावर में शाहरुख के बाद बॉलीवुड में किसी का नाम आता है तो वो है ऋतिक रोशन, जिसकी वजह से ऋतिक इस किरदार के लिए परफेक्ट रहेंगे। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के एम कैमियो में नजर आ सकती है दीपिका पादुकोण, जो इस किरदार में बेहद ही खूबसूरत रहेगी। ऐश्वर्या की तरह ही दीपिका के पास भी वो स्टार पावर है जो इस किरदार के लिए एक एम फैक्टर है। उदय चोपड़ा के विकी के किरदार में नजर आ सकते हैं आहान शेट्टी, क्योंकि उदय की तरह ही आहान के पास भी एक अच्छा फिजिक है जो इस किरदार का एक एम रिक्वायरमेंट है। वहीं जिमी शेरगिल का इंटेंस पर शांत किरदार निभा सकते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मोहब्बतें जैसी फिल्म की रीमेक में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को साथ में देखने में काफी मजा और इंटरेस्टिंग भरा होगा। वहीं जुगल हंसराज का चॉकलेटी रोल निभा सकते हैं कार्तिक आर्यन, क्योंकि कार्तिक जुगल की तरह ही काफी स्वीट और लविंग दिखते हैं, तो हमारे ख्याल से इस किरदार में कार्तिक एक सही पसंद होंगे। शमिता शेट्टी के किरदार में अनन्या पांडे परफेक्ट रहेगी। प्रीति के किरदार में नजर आ सकती है सारा अली खान, जो इस किरदार के लिए परफेक्ट रहेगी। और किम शर्मा का किरदार निभा सकती है तारा सुतारिया। इस रीमेक में अनुपम खेर और अर्चना पूरन सिंह फिर से एक बार अपने कैरेक्टर्स में नजर आ सकते हैं। दोस्तों हमारे ख्याल से ये सभी एक्टर्स पूरी तरीके से कैपेबल है इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की कहानी है नारायण शंकर, जो प्यार से नफरत करता है, और राज आर्यन, जो सिर्फ प्यार करना जानता है, और छह प्यार करने वालों की, जहां नारायण शंकर इन प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलने नहीं देता। राज आर्यन जुट जाता है इन प्यार के पंछियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। अंत में प्यार के सामने नारायण शंकर अपनी हार मान लेता है और अनुशासन के आगे प्यार की जीत होती है। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन के पास उस समय काम करने के लिए कोई फिल्म नहीं थी, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर उन्हें अप्रोच नहीं कर रहा था। उस समय अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी और वे ढेर सारे लोन में थे। मजबूरी में अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा के पास जाकर काम मांगा, जिसके बाद उन्हें ये फिल्म ऑफर किया गया। ये फिल्म और कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन की पूरी लाइफ चेंज कर दी और उनकी बॉलीवुड करियर को एक नई दिशा और ऊंचाई दी। फैक्ट नंबर 4, मूवी के ट्रेलर में ऐश्वर्या के चेहरे को दिखाया नहीं गया था, जिसकी वजह से मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज ऐश्वर्या थी, क्योंकि ऑडियंस मूवी में शाहरुख खान के ऑपोजिट काजोल या माधुरी दीक्षित को एक्सपेक्ट कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म का गुरुकुल का सेट लंदन में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट श्रीदेवी का कैरेक्टर लिखा गया था, लेकिन बाद में इस कैरेक्टर को मूवी की स्टोरी लाइन से स्क्रैप कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान ने यह फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन की थी, क्योंकि इस फिल्म को यश चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिन्हें शाहरुख खान काफी मानते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 19 करोड़ का था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस में बम्पर ओपनिंग लगी थी। फिल्म का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 7 करोड़ 32 लाख का। इस फिल्म ने लगभग बॉक्स ऑफिस में 70 करोड़ की कमाई की थी और एक अच्छी हिट फिल्म साबित हुई थी। और हाँ दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, हम ज्यादातर आप ही के सुझाव पर वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अगली मूवी का सजेशन देना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाना न भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर की बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो देखें। नीचे की बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।